उत्तर प्रदेश के बाराबंकी चंपत के शाहपुर क्षेत्र में रात को हंगामा हो जाता है और चारों तरफ रास्ता जाम कर दिया जाता है, जिसे लेकर के 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है। फिलहाल उसी संबंध में बाराबंकी चंपत के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी ने मामले की पूरी जानकारी दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बाराबंकी चंपत के फतेहपुर तहसील में मुहर्रम के दृष्टिगत बाराबंकी चंपत के जिला अधिकारी डॉक्टर अदर सिंह और साथ ही बाराबंकी चंपत के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सहित कोतवाल और साथ ही क्षेत्र अधिकारी के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान बाराबंकी चंपत के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी ने मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। कल दिनांक 25/8/2020 को शाहपुर थाना मसौली पर हाईवे पर जाम लगाने की सूचना पर तत्परता से पुलिस बल पहुंचा और उसने कार्रवाई करते हुए उचित धाराओं का मुकदमा पंजीकृत किया है। COVID-19 के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। तो बाराबंकी चंपत के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी की बातें सुनकर क्या पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। फिलहाल बाराबंकी चंपत से उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उस तरह की तमाम खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ एबीएन न्यूज 24 पर।